नमस्कार दोस्तों, आज की रेसिपी है वेज मंचूरियन। चलिए शुरू करते हैं। वेज मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 कप कैबेज पत्ता गोभी ले ली है, 2 कप गाजर कैरेट ले लिया है ग्रेट करके, साथ ही साथ 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और कॉर्नफ्लोर पाउडर 2 टेबलस्पून ले लिया है। इसके साथ हम चॉप्ड अनियंस भी लेंगे 1 कप। जो हमने बॉल्स बनाई हैं उसके लिए हमें ग्रेटेड कैबेज और ग्रेटेड गाजर में से जो एक्सेस वाटर है उसको स्क्वीज कर देना है। इससे क्या होगा कि जब हमारे बॉल्स बनेंगे तो उसकी बाइंडिंग अच्छे से होगी, पानी रहने से बाइंड नहीं करते हैं बॉल्स। ये देखिए, इस तरह से हमने कैरेट का एक्सेस वाटर स्क्वीज कर लिया है। साथ ही साथ इसी पत्ते गोभी में से भी हम लोग पानी निकालेंगे। ये देखिए, और एक बॉल में इसको रखते जाएंगे क्योंकि हमें आगे चल के इसको मिक्स करना है। अब ये जो एक्सेस वाटर है इसको हम हटा देंगे, इसका हमें कोई यूज नहीं है। बॉल्स बनाने के लिए हमने जो दोनों वेजिटेबल्स थी गाजर और पत्ता गोभी, इनको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, उसके बाद हम इसमें सॉल्ट डालेंगे और हम इसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर डालेंगे। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसको मिक्स कर लीजिए जिससे कि सॉल्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए कॉर्नफ्लोर के साथ। ये देखिए, अब जो हमारे चॉप्ड अनियंस थे इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करिए इसको। अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मेरा मिक्सचर गीला है तो मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर और मिक्स किया है तो ये प्रॉपरली बाइंड भी हो जाएगा उससे। ये देखिए, अब हमारा मिक्सचर रेडी है बॉल्स बनाने के लिए। अब इस मिक्सचर को हम हाथों में लेके छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। बहुत ज्यादा इसको प्रेस मत करिएगा, धीरे धीरे आप अगर इसको राउंड शेप देते जाएंगे ये आराम से बन जाएंगी बॉल्स। ये देखिए, इस तरह से ये बॉल्स हमने बना ली हैं। हमारा मिक्सचर अगर अच्छे से बना होगा, इसमें कॉर्नफ्लोर ठीक से डला होगा तो ये बॉल्स आराम से बन जाएंगी। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं डालना है। कॉर्नफ्लोर बहुत ज़्यादा करने से जब हम इसको फ्राई करते हैं तो थोड़ा च्यूई बन जाती हैं बॉल्स। जी ये देखिए, हमारी बॉल्स अब रेडी हो गई हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राइंग जो टेम्परेचर है देखने के लिए हमने एक टूथपिक डाला है, इससे हमें पता चलता है कि फ्राई हो गई हैं। जी अब ये देखिए, हमने बॉल्स को ऑयल में डाल दिया है जिससे कि हम इसको गोल्डन ब्राउन कर सकें। इनको तभी तक पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फ्लेम इसमें आप मीडियम रखिएगा तो ये इस तरह की निकल के आएंगी बॉल्स। ये देखिए, आगे की बॉल्स भी हमने इसमें डाल दी हैं। हमें पता चल गया है कि टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है ऑयल का, तो बॉल्स का फटने का कोई डर नहीं है। तो आप इसमें 1 से 2 या 3 भी बॉल्स डाल सकते हैं फ्राई करते वक्त। ये देखिए, हमारी दोनों बॉल्स मंचूरियन की रेडी हो गई हैं। इस तरह से आप सारी बॉल्स को फ्राई कर लेंगे और ये लुक बॉल्स का आएगा। ऑलमोस्ट सब गोल्डन ब्राउन है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है 2 टेबलस्पून, उसमें हमने ग्रीन चिलीज डाली हैं लगभग 2, स्प्लिट करके डाल दीजिए।
और इसमें हमने चॉप्ड गार्लिक डाले हैं, लहसुन, लहसुन करीबन 10-15 आप लेंगे तो उससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। लहसुन थोड़ा ठीक से चाहिए होता है। अब इसमें आपने जो अनियन के बल्ब्स काट के रखे हैं करीबन 1.5 कप वो डाल दीजिए, साथ ही साथ कैप्सिकम जो आपने स्क्वायर शेप काट के रखे हैं उनको भी डाल दीजिए, शिमला मिर्च और प्याज दोनों अच्छे से आप सॉटे कर लें ऑन हाई फ्लेम। 2 मिनट के लिए करेंगे तो भी आराम से ये सॉटे हो जाएंगी। अब इसमें आप सॉल्ट डालें, 1/2 टीस्पून डाल दें, थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ता है प्याज भी अपना नमक डालने से, और इसमें थोड़ा फ्लेवर भी बन के रहता है। ये देखिए इस तरह से ये जब इतना कलर ये चेंज करे तो अब आप इसमें सॉस डाल सकते हैं आराम से। मैंने ये सोया सॉस लिया है 1 टेबलस्पून। उसके बाद मैं एक शेजवान चटनी का 1 टेबलस्पून डालूंगी, क्योंकि शेजवान चटनी में एक अपना फ्लेवर होता है, किक देता है वो चाइनीज रेसिपीज को। आप इसमें इसको डालिए और इस तरह से सॉटे करिए। इसके बाद हम इसमें ग्रीन चिली सॉस डालेंगे 2 टेबलस्पून और टोमेटो केचप डालेंगे करीबन 4 टेबलस्पून। ये देखिए इस तरह से ये डाल दिया आपने। अब आप इसको अच्छे से एक मिक्स दे दीजिए, मीडियम फ्लेम पे दीजिएगा इसको, क्योंकि सॉसेज हैं, बहुत हाई फ्लेम पे देंगे तो जलने का डर रहता है। अब ये 2 मिनट पक चुकी हैं सब्जियां सॉस में, तो अब हम इसमें थोड़ा सॉस डाल सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के लिए। वाटर आपने इसमें डाला, पानी डाला, 700 ml डाल दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स करके बॉईल होने दीजिए। जब तक ये बॉईल होएगी पूरी ग्रेवी, हम तब तक एक स्लरी बना लेते हैं। तो कॉर्नफ्लोर पाउडर हम लोग लेंगे और इसमें हम पानी डाल देंगे। करीबन मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर लिया है और मैंने इस तरह से इसकी स्लरी बना ली है। अब मैं इसको ग्रेवी में डाल दूंगी। शुरुआत में ग्रेवी थोड़ी वाइट होगी पर बाद में वो अपना कलर खुद ही उसका आ जाएगा जैसे ही वो बॉयल हो जाएगी। इसको आप स्टर करें जब तक ग्रेवी थोड़ी थिक नहीं हो जाती है। इसमें मैंने थोड़ा बहुत सॉस डाले हैं एडजस्ट करने के लिए उसका रंग और टेस्ट, वो आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से उसको डाल सकते हैं। अब मैंने देखिए इसमें बॉल्स डाल दी हैं और मैं इसको मिक्स करके 2 मिनट के लिए बॉयल होने दूंगी, जिससे कि बॉल्स प्रॉपरली ग्रेवी में मिक्स हो जाएं। याद रखिएगा ज्यादा इसको बॉयल नहीं करना है, नहीं तो बॉल्स के टूटने का डर भी होता है। ये देखिए अब हमारी मंचूरियन रेसिपी रेडी है, इसको हम सर्व करेंगे। मैंने इसको स्प्रिंग अनियन से गार्निश किया है और लीजिए अब हम इसको मिंट से एक और गार्निशिंग इसकी कर देते हैं। तो आज की रेसिपी हमारी आपको अगर पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें और उस पर लाइक भी करें। धन्यवाद।